नमो वैकुंठारं नमो सिद्धारं नमो वायुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसाहूर्णं सासनिक भगवान महावीर स्वामी के मूलनायक देवादिदेवी गजाराश्री चंद्रप्रभ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य दुर्वर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वत्सल मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की समस्त तारिका संघ की मुनिराज की सावक के घर पर आहार श्रेया का प्रसंग मुख माटी में चल रहा है। जिस घर पर मुनिराजों का आगमन होता है जो श्रावक ऐसे कार्यों को करके अपने आप को धन्य बनाते हैं, सौभाग्य जगाते हैं, उस घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण तो बना ही रहता है, शासन समृद्धि का वातावरण अपने आप बन जाता है। कारण क्या है? आगम में लिखा है कि जहां पर मुनियों और संत समागम की बात होती हो, मुनिराजों के लिए अतिथि समिभाव करने के भाव होते हो, वो श्रावक वो घर लिखा है कि बहुत परम पावन पुनीतता को प्राप्त हो जाता है। अब आप कहोगे महाराज जी इसमें पावनता की क्या है? अच्छा साफ सुथरा घर है भले से वो पवित्र है, नहीं वो साफ सुथरा घर पर एक विचारों की पवित्रता एक अलग बात, विचारों की निर्मलता का स्वरूप एक अलग होता है। सत्पुरुषों से और महापुरुषों की संगति में रहकर के जो प्राप्त किया जा सकता है वो बाहर के रूप रंग धन पैसे से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। धन पैसा आपको साधन सामग्री दे सकते हैं पर शांति देने का कार्य आपके हाथ में ही होता है, विचारों में होता है आपके, वो विचारों की प्रगति। जब सेठ के आकर गुरु जी के चरण पड़े, आहार चर्या होगी, अब कबंडर लेकर के वापस जा रहा है कहां पर? मुनिराज की वसतिका की, और जहां रुके हुए हैं साथ में जा रहा है, और साथ में जाकर के गुरु चरणों में पहुंच करके उसने अपने आप को धन्य सौभाग्य। और अब दशा ये है कि वापस घर की ओर जाना है। पेज नंबर 347, पेज नंबर 347। वो वापिस कहां जा रहा है? लौट करके घर की ओर आ रहा है। तो दशा कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे मान सरोवर को छोड़ करके हंस अपने कहीं और जा रहा हो, ऐसे सुंदर वातावरण को छोड़कर के लौट करके वापिस आ रहा। उसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ी नदी हो आषाढ़ बाढ़ आई हो, देखो पहाड़, एक तो पहली बात नदी कौन सी? पहाड़ की है ना, और वो भी आषाढ़ की बाढ़ आई हो, छोटे छोटे बंचरों की क्या बात, हाथी तक पता नहीं चलता, बड़े बड़े हाथी भी बह जाता है सब कुछ, यानी उस बाढ़ में सब कुछ बह जाता है, छोटे छोटे जीव तो
भाई उनकी गहराई क्या, बड़े बड़े हाथी भी पता नहीं चलता, बह जाता सब कुछ अपना ही किया हुआ कर्म। आज बाधक वन उधर में आया है, चाहते हुए भी धर्म का पालन पहाड़ सा लग रहा है। ये लोगों की विचारधारा है, ये इस पे ऐसा लगता है कि लोगों को कि ये बाधक जब बनता है कर्म और अपना अपना कर्म बाधक बन जाता है धर्म ध्यान में, तो लोगों को ये बाहर चाहता हुआ भी धर्म का पालन पहाड़ से लगे बहुत बड़ा काम है भैया, कैसे होगा। आज के आदमी से कहो कि बताओ दुकान जाकर सरल है कि भगवान की पूजा करना सरल है, हैं? तो लोगों को भगवान की पूजा बहुत कठिन लगती है, दुकान चलाना बहुत सरल लगती है। भगवान की पूजा महाराज सबसे बड़ी बात तो यही है कि सुबह से उठो ही सबसे बड़ा कष्ट रहता है, ऐसी ठंडी में कहा है भगवान को कहते हैं कि तुम 10 सुबह से करो, 10-11 बजे कर सकते हो। तो हम लोगों से कहते हैं अच्छा भगवान तो नहीं कहते कि तुम कितना कमाए, भगवान तो विद्रागी है, वे तो कभी नहीं कहते कि भैया तुम सुबह से करके दोपहर में करके 10-11 बजे जब तुझे मन जब कर ले। लेकिन ये बताओ कि जैसे तो पूजन में कहता सुबह से करना, तो ये बताओ भोजन के लिए भी ऐसे ही सोचता है सुबह से काय करना, अरे महाराज रात भर में ठंडी में उजड़ो तो ऐसी सुबह से भूख लगे डिस्चार्ज, खाने पीने में ऐसा नहीं सोचता आदमी ना, जैसे सोचता है भगवान की पूजन पाठ में वैसे ही सोचना कि जैसे ये सबसे बड़ा बाधक सा लगता है उसे, और ये बात यथार्थता है, लोगों की सोच ऐसी होती है कि सुबह से धर्म का पालन से पहाड़ सा लगता है लग रहा है, और मैं बोना ही नहीं पंगु भी बनाऊं, बोना ही नहीं एक तो छोटा और ऊपर से पंगु, पंगु यानी लंगड़ा, बहुत लंबा पथ है। ये उस समय सेठ की दशा ऐसी है कि अपने आप को वह पहाड़ समझ रहा है, अपने आप को बोना समझ रहा है, पंगु जैसे पंगु से चलना बहुत लंबे आदमी को चलना बहुत कठिन काम सा है, बहुत लंबा ऐसा चलते हुए पथों से बहुत लंबा लग रहा है, कैसे चलूं गगन चूमता चूर है कैसे चढ़ूं मैं। शिखर जी की जब जाते हो और पहाड़ सामने दिखता है, अरे भैया इतना पहाड़ चढ़ना है, कैसे चढ़ूंगा कैसे चढ़ूंगा, चलोगे तो चढ़ोगे, इसलिए देखो मत, चलते चलो चलते चलो। कई लोग तो कहते महाराज जी से मंदिर में चढ़ा दिखे चढ़ती चले, रात में दिखता नहीं इसलिए चढ़ते चले जाते, नहीं देख करके चढ़ा और साहब जुटाना, नहीं ये भी चढ़ेंगे हम, ये भी आगे बढ़ेंगे हम, ऐसा हो चलता है। चल चालू है गगन चूमता चूल है कैसे चढ़ू मैं, कुशल सहचर भी तो नहीं कैसे बढ़ू मैं, अब आगे कोई साथ में सहचर कर साथ में चल रहा था, कोई अच्छा कुशल सहचर भी तो नहीं है, अब कैसे चढ़ू मैं कैसे बढ़ू मैं, अब आगे क्या पूरा का पूरा आशावादी बनू, अरे हो जाएगा ऐसा कर लेंगे, आशावाद पूरा का पूरा आशावादी बनू, क्वेश्चन में चल रहा है क्या पूरा का पूरा आशावादी बनू, क्या सब कुछ नियत पर छोड़ दो और जो होगा सो देखा जाएगा, ये कहलाती नियति का अर्थ क्या, और जो होगा सो देखा जाएगा, नियति पर छोड़ दो ऐसा सोचता है, क्या छोड़ दूं पुरुषार्थ को,
यहाँ प्रसाद को प्रसाद छोड़ दूं प्रसाद को, ऐसा सोच रहा है। हे परम पुरुष बताओ क्या करूं, काल की कसौटी पर अपने आप की कसूं क्या, गति प्रगति आगति नति उन्नति परिणति। देखिए कितने अंतरास है, गति प्रगति आगति है ना, आने की गति तो उसका नाम आगति, गति यानी जाने की गमन रूप गति, और जो तुम कर रहे हो तो उसके आपकी प्रगति, नति यानी झुकना, उन्नति यानी उठना ऊपर उन्नति की, और परिणति उसकी वर्तमान दशा परिणति है। इन सब का नियंता काल को मानो क्या, ये सब काल करता है क्या, ऐसा मानोगे इसका नियंता है क्या ये काल। पति पदार्थ स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है, ये अमर कव सिद्धांत है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का भोगता है, सब स्वतंत्र, कोई किसी के कर्ता धर्ता और तुम हो, अपन मान बैठते ये बात अलग है, और हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हर आदमी के मन में ये चलता है, घर में अगर हम नहीं करेंगे तो घर को क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, काम धंधा नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, ये हमारी कर्तृत्व बुद्धि हो जाती है। जबकि पति पदार्थ स्वतंत्र होता है, हर व्यक्ति अपने अपने स्वतंत्र कर्म सत्ता का जीने वाला होता है। कभी तो आप लोगों से कही जाए कि आप सबके कर्ता धर्ता हो, लेकिन सामने वाले के पास कर्म का सेव सब नहीं है, बीमारी ऐसी हो गई है कि सामने सब कुछ रखा है, फिर उससे कहा कि देखो किसी प्रकार की कमी नहीं है, आप खाना चाहो तो खा सको, खा लो। बोले कि क्या करें, हम खा नहीं सकते, उसे उपभोग नहीं कर सकते, क्यों। अब वो जो कर करके रखने वाला, तेरे सामने देने वाला, उसकी कमी है कि तेरे कर्म की कमी है, वस्तु अभाव में नहीं है, वस्तु सामने सद्भाव सामने भरी पड़ी हुई है, किसी प्रकार का हो जाए तो रोज सोने की रोटी खा सकता है, सोने की रोटी कोई खाता नहीं है, लेकिन कहावत साहित्य दृष्टि है, इतने धन पैसा वैभव है, कितना है कि ऊंचा है तो सोने का अगर दान दे, ऐसा कहते हो सोने जितने सोने की रोटी के बराबर, जितना उसका सोना, रोज जाग करके सोने के भाव में रोटी खरीद सकता है, इतना पैसा उसके पास, लेकिन वो रोटी खाने की क्षमता उसके कर्म का क्षेत्र नहीं है, भूगंध है, कर्म का उदय चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा ही है। इसलिए कहा प्रति पदार्थ स्वतंत्र है, कर्म कर्ता स्वतंत्र होता है, यह सिद्धांत सदों से क्या, ऐसा भगवान ने आदम की वाणी में लिखा है, सब अपनी अपनी जा स्वतंत्र सत्ता वाले पदार्थ है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। देखिए होने रूप क्रिया तो साथ साथ करने रूप क्रिया भी तो हो, भी तो कोष में है ना, एक होना जैसे कर्म का उदय अपना, और एक करना, एक भवति क्रिया एक करोति क्रिया। भवति क्रिया अपन कहने चाहिए मेरे पूर्व कर्म का उदय है, इसको कहते हैं भवति क्रिया। आज मेरे कर्म का उदय है, आप सबसे शांति से बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हो ये, लेकिन अब पुरुषार्थ हमारे पास ऐसे है, कई लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन भवति क्रिया तो बोले ये करोति क्रिया नहीं, घर में बैठे बैठे सो रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, धर्म ध्यान करने का अभाव नहीं जग रहा है, कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, उसके पास योग्यता है, कर्म का क्षेत्र संपन्न, उसको करने का पुरुषार्थ नहीं है। एक नियति एक कर्म का उदय,
इसका नाम इसको अपन कह सकते हैं होने भवती क्रिया और करुति क्रिया किसे कहते हैं पुरुषार्थ कि हमारा पुरुषार्थ अगर अच्छा है हम पुरुषार्थ अच्छा करें वैसा हो सकता है करने रूप क्रिया भी तो कोष में है ना है सब जगह है आपके कोष में भी आपके मन में भी है बस करने की जरूरत है। सेठ की प्रश्नावली सुनकर वात्सल्य पूर्ण भाषा में माँ पुत्र को समझाती सी क्योंकि सेठ जी गुरु राज के पास बैठे मुनिराज के पास बैठे मौन तज करके कहा गुरु ने कि इन सब शंकाओं का समाधान यहाँ है कहाँ पर है यहाँ है मेरी ओर इधर ऊपर देखो ये जो तुम्हारे अंदर जो शंकाएं घूम रही हैं इन सब शंकाओं का समाधान कहाँ है मेरी ओर हमें देखो इधर देखो और कहां से देखो अच्छे से नीचे मत देखो कहां देखो ऊपर देखो और ऊपर की ओर देखना होगा गीली आंखों से उसकी आंखों में गुरु जी आ गए आज आनंद के साथ उसके आहार हुआ है हर्ष अतिरेक है प्रसन्न है हर्ष के आंसू उसकी आंखों में है तो आनंदित है गदगद भाव ऐसा है मुद्रा से गीली आंखों से मौन मुद्रा मिली मात्र मुद्रा में मुस्कान की मात्रा थोड़ी सी भी मिली नहीं अब उसने ऊपर देखा तो देख करके मौन मुद्रा मिली यानी मौन है कुछ कह नहीं सका पर उसमें मुस्कान की मुद्रा की मात्रा थोड़ी सी भी नहीं मिली गंभीरता से पूरी भरी है वह आंखों में निश्चलता ललाट में निश्चलता देखिए आंखों में कैसी हो निश्चलता यानी स्थिर है चंचलता नहीं है बिल्कुल देखा एक तक जब आदमी की आंखों में निश्चलता इसलिए कि आदमी के मन में विचार चल रहे तो आंखें भी चलती रहती है इधर उधर भागती है उसकी आदमी की स्थिर आंखें नहीं होती कोई आदमी झूठ बोलता है या किसी को ऐसे चलाने की बात करता है तो तुम अच्छे से गौर से देखो ये आदमी जब कोई है झूठे हो तो उसकी आंखें दिखती आंखें बता देती कि ये आदमी झूठ बोल रहा है क्यों क्योंकि इसके मन में चल तो कुछ रहा है और बोल कुछ रहा है और जो सहज निश्चल वृत्ति की होती है एकदम सहज और ऐसा बोला जाता है जो किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है छुपाने के भाव नहीं है वहां पर आप उसकी देखे तो उसकी आंखें बिल्कुल निश्चल होंगी चलाए मान आपको मुखमंडी में सब ज्योतिष का पूरा विज्ञान भरा पड़ा है और देखो ललाट पर निश्चलता एक और है जब आदमी के अंदर कुछ विचार चल रहा तो आप देख रहे हो उसके मन से फिर लाइन पड़ती रहती है और जो एकदम सहज बोल रहा होता तो उसके मन से पर निश्चलता दिखाई देती कोई अरे भैया क्या बात है क्या सोच रहे हो आप मन से पे भारी गुड़ी पड़ रही है पर कहते हैं बुंदेलखंड में भारी दिखाई लाइन ऐसी पड़ रही है लगता कुछ सोच तो रहे हो मन में कुछ चल रहा है इसको कहते हैं ललाट पर निश्चलता कोई विकल्प नहीं है बस सहज आंखों में स्थिर निश्चलता और ललाट पर निश्चलता कोई छल कपट के भाव में वही रहस्य उद्घाटन करती थी सी उसके रहस्य का उद्घाटन करती सी नी यानी निज में ही यति यानी यत्न स्थिरता है अपने में लीन होना ही नियति है दूसरों के लिए अपने आप में लीन होने का नाम सो नियति है निश्चय से यही यति और पुरुषार्थ यानी आपका परमात्मा है अर्थ यानी प्राप्तव्य प्रयोजन है आत्मा को छोड़कर सब पदार्थ को विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ
सब कुछ छोड़ करके, यानी आत्मा को मत भूलो, बाकी सबको भूल जाओ। जो व्यक्ति आत्मा को छोड़ करके सबको याद करता हो, वो सही प्रसाद नहीं है। सही प्रसाद क्या है? आत्मा को भूलो मत, बाकी सबको भूल जाओ, यही सच्चा प्रसाद है, यही सच्चा धर्म ध्यान है। इसी सही प्रसाद का, नियति का और प्रसाद का स्वरूप ज्ञात हुआ। सही सही नियति क्या, प्रसाद क्या, यानी अपने आप में स्थिर होने का नाम नियति है। और निश्चल से यही गति है, प्रसार यानी आत्मा परमात्मा है, अर्थ यानी प्राप्त प्रयोजन है। ऐसे उसको प्राप्त प्रयोजन भूतत्व को प्राप्त करना ही सही प्रसाद है। नियति और प्रसाद का स्वरूप ज्ञात हुआ। सही सही काल की भाव धर्मिता जो मात्र उपस्थिति रूपा प्रेरणा प्रदा नहीं उदासीना एक क्षेत्रासीना है। उदासीना और एक क्षेत्रा बाहर नहीं, सिर्फ अपने हो जाओ, यही एक क्षेत्रा होगा। छुपा नहीं रहा, खुल गई सेठ की सारी शंकाएं, उत्तर पाती फिर भी। सेठ के मन की सारी समाधान जो मन में विकल्प चल रहा था, सब कुछ विकल्पों का समाधान उसे मिल गया। अब जाने के बाद महाराज का समय हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा किसका समय हो गया है ध्यान का, चलो तुम्हें कहाँ जाना है? तो अब घर जाना है। अब वो वापिस लौट करके जा रहा है, तो उसकी दशा क्या है? देखिए आचार्य जी ने कितने अच्छे साहित्य को उदाहरण दे करके वास्तविक सही रूप में एक सच्चा भक्त और गुरु भक्त और सही संसार में रहने वाले श्रावक की परिणति क्या होती है कि जब वो गुरु चरणों को छोड़ करके वापिस जाता है, उसकी परिणति क्या होती है? देखिए उदाहरण देकर के, जल के अभाव में लाघव गर्जन गौरव सोन वर्षा के बाद मौन कांति हीन बादलों की भांति छोटा सा उदासीन मुख ले। कैसा? देखो जल के अभाव में एक बादल होते ना जो उड़ते हुए दिखाई देते, जल के अभाव में लाघव यानी छोटे बिल्कुल लघु से, गर्जन गौरव से शून्य, गर्जना गौरव से शून्य ऐसे और कांति इन बादलों की भांति, कांति हीन बादलों की भांति छोटा सा उदासीन मुख ले। जैसे छोटा सा मुख बन जाता है, जा रहे हैं वापस, मन नहीं है फिर भी जाना पड़ रहा है, छोटा सा मुख उदासीन मुख ले घर की ओर जा रहा है से। और दूसरा उदाहरण देखा, तेल से बाती का संबंध लगभग टूट जाने से किंवा कैसे अत्यल्प तेल रह जाने से टिमटिमाते दीप सम अपने घट में प्राणों को संजोए मंत्र गति से चल रहा है से। वो जब दीपक में तेल कम हो गया तो कैसा हो रहा है? टिमटिमा रहा है, टिमटिमाते हुए दीपक सम वैसे ही अपने घट में बिल्कुल प्राण को संजोए धीरे धीरे, मन नहीं है जाने का, फिर मन मार करके जा रहा है मंथर गति से धीरे धीरे, मंथर गति से अर्थ धीरे धीरे गति से चल रहा है सेठ। मन में मंथन भी चल रहा, मूलधन से हाथ धोकर खाली हाथ घर लौटे भविष्य की विषय में चिंतित किम कर्तव्य विभोट पणिक्षम घर की ओर जा रहा है। जैसे तुम गए बाजार करने, यहाँ उदाहरण दिया है आप लोगों को, और बाजार करने में सोचा था कि कुछ अच्छा खरीदेंगे है ना, कुछ मिलेगा अच्छा फायदा हो जाएगा, लेकिन हुआ ये
कि जो मूल धन हाथ में था उससे भी हाथ जो आया था वो भी हाथ से चला गया। सोचा था कमाएंगे, यहाँ तो कमाने की बात क्या, जो मूल धन वो भी हाथ में और जिसका मूल धन चला गया। अब मूल धन चलाने की बात जब वो घर जाता है तो किम कर तब आप क्या करें, ऐसा सोचे तो जो हाथ में था वो भी चला गया। किम कर्तव्य विमूढ बड़े सम उस व्यापारी सम घर की ओर जा रहा है सेठ। इतने उदाहरण और भी अभी उदाहरण भरपूर है। पूरा का पूरा गृहदान से निकल जाने से पूरा का पूरा क्या निकल गया, गृहदान निकल जाने से स्वयं को निरस्ता का अनुभव करता केवल दूध के समान संवेदन शून्य हुआ घर की ओर जा रहा है से। जिस दूध में से घी निकल जाए उसको क्या बोला बताओ, बोले कि छाछ मठा निर्विकृति। अब क्या है उसको कोई सारभूत तत्व उसमें रहेंगे, वैसे ही पूरा का पूरा घृतान से निकल जाने के साथ नीरस का अनुभव करता होगा। सारा का सारा रस तो इन्हीं गुरु चरणों में, हम कहाँ जा रहे हैं इस संसार की नीरसता में, ऐसा केवल दूध के समान संवेदन शून्य हुआ घर की ओर जा रहा है सेठ। इतने उदाहरण और अंतरा उदाहरण चलो सहपाठियों के समक्ष पराभव जनित पीड़ा से भी कई गुनी अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा है इस समय सेठ को। इस समय कि कोई सहपाठी के समक्ष जब कोई हार जाता है ना, पराभव जनित पीड़ा से भी अधिक उस समय कोई हार करके जो पीड़ा होती है और जब वो वापस जाता है उससे कई गुनी पीड़ा का अनुभव हो रहा है इस समय सेठ को। ये कहां कहां से उदाहरण छाट के लाए आपको समझाने के लिए। उस समय और भी अच्छे उदाहरण अभी तो कम नहीं, अभी चल रहे हैं। तो डाल के गाल का रस चूसन पूर्ण रूप से छूटने से धूल में गिरे फूल सम, जैसे फूल खिला था डाल पे अच्छा, और जैसे जैसे फूल का रस चसता गया कुमलाता गया कुमलाता गया कुमलाता गया और कुमलाते हुए आखिर टूट करके नीचे गिर गया कहाँ, धूल में। और धूल में गिर जाए तो इस समय डाल के गाल का रस चूसन पूर्ण रूप से छूटने से धूल में गिरे फूल सम, ऐसे फूल के समान आत्मिता का अलगाव साथ ले शेष रहा अत्यल्प साहस समेत घर की ओर जा रहा है से। ऐसा ऐसा वैराग्य का दृश्य उसके मन में चिंतन चल रहा है। अब उदाहरण माँ के ग्रह से पीड़ित रह कर सुसक्त शिशु की तरह दीर्घ श्वास लेता हुआ घर की ओर जा रहा है सेठ। जैसे एक बच्चा है ना, माँ की जब माँ नहीं दिखती तो उसको रोता है चिल्लाता है और रह रह करके बहुत इतना रोता है माँ के बिना सिसक सिसक करके रो रहा है दीर्घ श्वास लेता है और ऐसे दीर्घ श्वास लेता हुआ जा घर की ओर जा रहा है सेठ। और प्रकृति का उदाहरण आ रहा है वसंत कांत होने से विकलित बल जीवन बदन सम संत संगति से वंचित हुआ घर की ओर जा रहा है से। बसंत काल आएगा अभी आने वाला है, अभी तो सब कुछ हरा भरा दिख रहा है और जैसे ही बसंत आता है तो उस बल जीवन बदन सम बदन यानी इन पेड़ों के पत्ते सारे के सारे पतझड़ हो जाते हैं और उस पतझड़ को देख करके उस समय ऐसा लगता है ये सारा का सारा नीरव नीरव है
एक बार बहुत अच्छा प्रसंग है कुंडलपुर में, यही वसंत का मार्च महावीर जयंती के आसपास का समय था। वहां सागुन के पेड़ पूरे लगे हुए, और जब वहां जाते हैं पेड़ों पर टूट टूट पेड़ दिखाई दे रहा है, तो देखो ऐसा ही होता है। ये समय जब बरसात में देखते तो पूरा पहाड़ हरा भरा देता है, ये हरा। और एक समय ये आता तो पूरा पहाड़ को नीरव नीरव जैसा देखता है। बाजर सिंह ने देखो प्रकृति का चित्रण यहाँ पर कहते हैं, यही रागी और वैरागी का सोच है। जब हरा भरा होता है तो रागी आनंद मनाने लगते हैं, है ना, और विरागी क्या करते हैं, फिर सोचते हैं अपने धर्म ध्यान में लगाने लगते हैं। लेकिन जब बिल्कुल पतझड़ हो जाता है तो रागी कहता है बेकार है, अभी जाओ ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे समय पर विरागी जाकर के ध्यान लगाता, देखो ये संसार की विचित्रता भी ऐसे ही है, कभी हरा भरा और कभी जीवन पतझड़ सा। सेठ की दशा भी वही है, उस समय वो जा रहा है सोच रहा है कि कहाँ जा रहा हूँ, इतना अच्छा वातावरण गुरु जी की संगति छोड़ करके, कहाँ वसंत का माहौल और कहाँ हम पतझड़ के जीवन में जा रहे हैं। और ऐसी सब संगति से वंचित हुआ घर की ओर जा रहा है सेठ। हरियाली को हरने वाली मृग मरीचिका से भरी, सुदूर तक फैली मरुभूमि में, सागर मिलन की आस भर ले, बलहीन सरपट तट वाली, सरकती पतली सरिता सी घर की ओर जा रहा है से। ये भी चित्रण है कि जैसे हरियाली को हरने वाली, मरुस्थल तुमने देखा हो, राजस्थान तुम लोग गए हो देखे हो, टीवी में सबने देखा है ना, और नहीं है तो जाकर के देखे हो क्या है, थोड़े से क्या था, चले जाओ आचर से महावीर जी से विहार किया और उस साइड का वहां सुनो तो पूरा पूरा मरुस्थल में तो रहते रहते पूरा उस एरिया में। आचर से सुनाते थे कि एक बार उन्होंने महावीर जयंती के बाद वहां से बिहार किया महावीर जी से, और उस समय चिल्लक जी साथ में थे, शुरू से 75 की पहले की बात होगी। तो वहां पर उन्होंने एक दिन बिहार किया, और उस समय पहले तो लोग जैसे थे आज भीड़ भाड़ है, उस समय तो क्या क्षेत्रों की दशा तो थी कि 11 आदमी को कहो महाराज को छोड़ आ जाओ, तो वो आदमी आया तो चला गया, एक साइकिल पे सामान वामान जो कुछ था ऐसे चला के लेकर के आया, और उसने जाकर रास्ता बता दिया, उसने रास्ता बता दिया तो लंबा निकला, पहुंच नहीं पाए। तो उस समय राजस्थान में आचार्य जी सुनाते, उस रात को मार्च में गर्मी तो थी, शाम शाम को दिन में तो गर्मी लगे, रात में हो जाता है ठंडा, क्या करे। तो बोले कि आप तो यही रात में रेत पे ही रहना है, तो उन्होंने आज इतने रेत पे ही रहना है। उस समय रात में देखा है हवाएं चलती हैं, अभी देखते यहाँ टापू बना है बहुत बड़ा रेत का, अगले क्षण 2-3 घंटे बाद देखते यहाँ की रेत उड़ करके कहीं दूसरा जगह टापू बन जाता है। रात भर यही देखता रहा, और जब हवाएं चलती अब हुआ है कि उस रेत से बचाना है अपने आप को, तो क्या करते ध्यान तो करते, ध्यान करते करते जब रेत के कान में लगते तो बीच में ऐसे कान पकड़ के बैठ जाता आंख बंद करके। रात में थोड़ा सोए बोले कि कहाँ ऐसे में सोना कहाँ होता है, ध्यान लगा करके जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसी रेत में ऐसे करवट बना करके तो रेत चिटाई टाई पहुंची, बोले कि चिटाई कहाँ रेत ही चिटाई थी। और जब रात में वो रेत ठंडी हुई जैसे 10-11-12 बजे और गप को पाती ठंडी में, उस दिन पहली बार लगा कि कैसे चौथे काल में होंगे, रात खुले आकाश में छोटे होंगे ऐसे छत्र में, बिल्कुल ऐसे आकाश में, यही है प्रकृति की सत्यता।
बोले मरुस्थल में दूर दूर तक कहीं हरियाली नाम की कोई चीज है। तो पहले ऐसा सोचते भैया पेड़ के पेड़ की छाया में बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, मैं तुम्हारा जी मरीज का जैसे सब सुदूर तक पहले मरुभूमि में सागर मिलन की आस भर ले ऐसे मरीज मरीज का जैसे के समान। और दूसरा जैसे सागर मिलन की आस भर ले बलहीन बिल्कुल पानी थोड़ा सा बचो गर्मी में, जैसे कहते ना नदी चलते चलते सूखे किनारे सी पतली पतली सी सरपट तट वाली सरकती पतली सरिता सी घर की ओर जा रहा है सेठ। ऐसा प्राची की गोद से उछला फिर अस्ताचल की ओर ढला प्रकाश पुंज प्रभा कर सम आगामी अंधकार से भय भीत घर की ओर जा रहा है से। अब रात या अंधेरा होने वाला है ऐसे तो सब आदमी अंधेरे होने की पहले व्यवस्था करें घर पहुंच चलो ऐसा है। वैसे ही उसके अंधकार के भय से भयभीत घर की ओर जा रहा है से। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की सी दशा है सेठ की। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कैसा दिन दिन घटता चला जाता है बढ़ता नहीं है, ऐसी ही उसकी दशा परिणाम घटते घटते चित दशा है सेठ। शांत रहस्य विरहित कविता सम कोई कविता है और कविता में अगर शांत रस नहीं हो तो कविता कोई काम की। एक कविता वो होती है जो आदमी को गर्म कर दे, ताजे कर दे, रस तो कविता उसको उत्तेजित तो कर देती पर शांति कविता का अर्थ क्या होता है। शांत रस से विरहित कविता सम अगर कविता में शांत रस नहीं तो कविता का आनंद पंछी की चहक से वंचित प्रभात सम सुबह सुबह जब पंछियों का कलरव होता है एक अलग ही पहचान और एक अलग ही सब कुछ हुआ करती है। उस पंछी की चहक से वंचित सम प्रभात सवार प्रभात काल में अगर पंछियों का कोलाहल होता है तो उस समय एक अलग ही माहौल हुआ करता है, एक आनंद हुआ करता है। और उस समय अगर कलम रमणीय तो प्रभात में आनंद नहीं होता। शीतल चंद्रिका से रहत रात सम रात हो शीतलता ना हो कैसे हो सकता है। और बिंदी से विकल अवला के भाल सम सब कुछ नीरव नरी लग रहा है जैसे एक सर्वा नारी के माथे पर से बिंदी ना हो तो उसको सब कुछ कैसा लगता नीरव नरी लग रहा है। लो ढलान में ढोलकते ढड़कते पाषाण खंड की भांति घर आ पहुंचा। एक आना नहीं जा रहा था जैसे पत्थर है ऊपर से ढड़कते ढड़कते अपने आप आता जा रहा है आता जा रहा है मन मार करके करते करते वो अपने घर पर पहुंच गया। ऐसी दशा वो किसकी है उस सेठ की वापस घर आया है। कभी तुम लोगों ने ऐसा विचार किया ऐसे मन में विचार आते जैसे समझ लेना हो सम्यक दृष्टि जो होते हैं कि एक घर छोड़ करके जाना और घर घर छोड़कर नहीं मंदिर भगवान कर और गुरु चरण छोड़ करके घर आना दोनों में बहुत अंतर है। आचार्य जी ने एक बार सुना है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के अंतर क्या है। सम्यक दृष्टि वह होता है कि वो कैसे कैसे घर छोड़ूं मंदिर कैसे जाऊं ये किसकी सोच है मिथ्या दृष्टि। अरे घर का काम पहले है मंदिर की पूजा पाठ तो होते ही हमने करे तो दूसरों कर ले ऐसा सोचा करता है। और मिथ्या दृष्टि की दशा ये होती है कि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है भगवान छूट जाए सो चल जाएगा। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है कि ये भगवान आपके चरण छोड़ के कैसे घर जाऊं क्योंकि जो शांति जो आनंद आपके चरणों में गुरु चरणों में मिलता है वो घर में मिलने वाला नहीं है।
वो आनंद की अनुभूति, वो इस दृष्टि का रक्षा, इच्छा दृष्टि के एक को विषय हो घर गृहस्थी अच्छी लगती है और एक को क्या करते हैं भगवान की भक्ति गुरु चरणों की छत्र छाव उसको अच्छी लगती है। यही दशा सेठ की है कि गुरु महाराज को आहार करा के वापिस कहाँ जा रहा है, घर वापिस जा रहा है उसकी परिणति के बारे में। जैसे ढलान पे ढड़कते ढड़कते पाषाण खंड की बात थी घर आ पहुंचा है से, इस प्रकार की परिणतियों का वर्णन करते हुए कितने सारे उदाहरण देकर के समझाया। उनमें से क्या उदाहरण रखें, हम भी कभी ऐसे होते हैं, बहुत कम होते, बिरले ही व्यक्ति होते हैं जैसे परिणति वाले हुआ करते हैं। तो ढड़कते जैसे ऐसे वो उदाहरण मुख बाटी में भरा पड़ा है। मन नहीं होता पर जाना पड़ता है, जैसे कोई भी हो आचार्य जी के पास जाओ तो वहां से अपन जब कोई कहते जाओ नहीं अभी नहीं जाना अभी रुक जा आचार्य जी के साथ, यही तो है। इसलिए तो मैं कहता हूँ बाद में तुम लोगों को आते जाते हैं। अभी आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, देखो बुलाना बहुत कठिन नहीं सरल है, सबको बारात बुलाने पर बारात को संभालो। तो हम लोग ने आचार्य जी कहा आचार्य जी आप हम लोगों को बारात ही समझते हो बराती नहीं समझते क्या भैया, सब लोग मेहमानी करना पड़ता है, सबको बुला लेते हैं और बुला लेते हैं तो आकर के सब आ जाते हैं, तब तो बिल्कुल कहने भर की जरूरत है, थोड़ी रुक के आते हैं। अरे आचार्य जी आप कहो और कोई रुके है। अरे इसलिए तो भाई आना तो यही है, मैंने तो यही सब लोगों से कहा, कहते हैं आना तो ठीक है महोत्सव होना है आना तो है लेकिन इतना इतनी जल्दी सब आ जाए आपके पास आने के लिए कोई रुकने वाला नहीं है, क्षमता भी नहीं होती तो फिर भी गुरु कृपा गुरु दर्शन की भावना तो उनके पास भी पैर शक्ति आ जाती है। जैसी ही कृपा होना चाहिए भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति, तो समझ लेना ये ही हमारे जीवन में कल्याणकारी है। बोलो आचार्य गुरु श्री जी की जय, महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय।